हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर मेकिंग क्ले राखी। हम ये क्ले में फैब्रिक किल का मॉल्डेड यूज़ करेंगे, ठीक है। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हमारा दो होता है रेशन और हार्डनर, ठीक है। इन दोनों को हम मिक्स करेंगे, पूरा नहीं मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा मिक्स करेंगे। और मैंने पहले से ही इसको मिक्स करके रखा है पाउडर के साथ में, टैल्कम पाउडर है उसके साथ में मिक्स करेंगे, ठीक है। हमने इसे पहले से ही मिक्स करके रखा है। इसको हम क्या करेंगे कि छोटी छोटी गोलियां बनाएंगे, सेम साइज की 20, इस तरह से, ठीक है। तो हमने गोलियां पहले से बना रखी हैं, ये इस तरीके से हमने गोलियां बना रखी। अभी करना क्या है, इसमें गोलियों को ड्रॉप का शेप देना है। करना क्या है, ऐसे ऐसे धीरे धीरे, ये ऐसे किया, ये हमारे वाटर ड्रॉप्स की तरह बन गए, ठीक है। इसके बाद फिर क्या करना है, इसको धीरे से ऐसे पुश करना है। जब हमने ऐसे पुश किया, ऐसे लिप्स के आकार का हम इसे बनाएंगे, और फिर थर्माकोल कटर की हेल्प से, अगर हमारे पास कटर नहीं है खींचकर लिप्स में, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से मैंने कई लिप्स बना रखे हैं पहले से, और इस तरीके से आपके 20 लिप बनेंगे स्टार्टिंग में। ऐसा राउंड है, इस पर हम क्या करेंगे कि डिफरेंट साइज का हमने अभी ये ड्रॉप शेप बनाया, उसके बाद डिफरेंट साइज का बनाया, छोटा बड़ा बड़ा उससे बड़ा। तो हम क्या करेंगे, इसे ऐसे लेकर हल्का सा इधर ट्विस्ट, जब ये हल्का ड्राई हो जाता है तो ये ट्विस्ट आप जैसा देंगे, ज़्यादा ड्राई भी ना हो, ठीक है। ऐसे करते हुए ऐसे इस शेप में, समझ में आ रहा है ये शेप, फिर से एक बता दे रहे हैं। ऐसे हमने ये लिया, पहले ड्रॉप बनाया था और सेम ऐसे पकड़ा और ये शेप ऐसे ले दिया, ठीक है। इस तरीके से हम बना लेंगे, मैंने पहले से बना रखा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इस पर पेस्ट करेंगे, फेविकोल की मदद से पेस्ट करेंगे। ऐसे हमने पूरे में फेविकोल लगाया, और इसके सेंटर में रखते हुए इसे पेस्ट करना स्टार्ट किया। इस तरीके से हम पूरा पेस्ट कर लेते हैं, इस तरीके से हम पूरी नेक्स्ट उसी तरीके से उसे थोड़ी छोटी लिप बनाकर ऐसे ट्विस्ट देते हुए इन दोनों के बीच में जो रेलिंग है उसके ऊपर लगा देंगे, अच्छे से फेविकोल से फिक्स करेंगे। हम एक मोल्डेड से इस तरीके का बना लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम फेविकोल के थ्रू से हेल्प से इसको सेंटर में, ये राउंड है, एक सिंपल राउंड है, मैंने थोड़ा सा उसको कलर करके देखा था, इस तरीके से। इस तरीके से बनाने के बाद हम इसे थोड़ी देर ड्राई होने के लिए रख देंगे, 10 से 5 मिनट इसको ड्राई करने के लिए रख देंगे। फ्रेंड, जब से वो हमारी पहले वाली राखी सूख रही है, तो हम क्या करते हैं, दूसरी राखी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, मॉल्डेड को मिक्स करके राउंड बनाएंगे, और उसके बाद किसी चीज़ की हेल्प से ऐसे कर लेंगे। आप इसे रोटी के शेप का बनाइएगा, बड़ा बनाइएगा, क्योंकि हमारे पास है, तो हम आपको एक मॉडल दिखा रहे हैं किस तरीके से करना है। ऐसे बेलने के बाद क्या करेंगे, इस टाइप का आप एक कैप लेंगे,
ठीक है, और फिर इसमें टल्किन पाउडर लगाएंगे और इसको इस शेप को कट कर देंगे, जैसे हम पूड़ियाँ घर पे काटते हैं उस तरीके से। ठीक है, अब इसे ड्राई होने के लिए रख देंगे कम से कम 1 से 2 मिनट। जब ये हल्का ड्राई हो जाएगा तो हम इसे ऐसे करेंगे और ये एक शेप ले लेगा। ठीक है फ्रेंड, इसको ऐसे हम ड्राई बना इस तरीके से कई बना लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे, एक हमारा सेपर है, सेप लिया, उसके बाद मैंने ऐसे ही करके कई बना के रख रखी है, हमारे पास पहले से मैंने बना रखा है, हल्का ड्राई हो चुका है मेरा। फिर हम क्या करेंगे, फेविकोल की हेल्प से इसे पेस्ट कर लेंगे। हम इसे पेस्ट करने पहले ऐसी लिप्स हमने बना के कई रखी हुई है, तो हम इस लिप्स को अच्छे से फेविकोल की मदद से ऐसे पेस्ट कर लेंगे। इसे ट्विस्ट नहीं देना है, सिंपली से हमें पेस्ट करना है। ऐसे हमने पेस्ट कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट क्या करते हैं, जो हमने ऐसे अभी बनाना बताया था वो ड्राई हो जाए, उसके बाद हल्का ड्राई हो, बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं करना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाने के बाद ये सेट नहीं हो पाएगा ढंग से, तो हम इसे ऐसे लगाएंगे। इस तरीके से हम इसको सेट करते जाएंगे। इस तरीके से लगा के इसको अब इसे भी ड्राई होने के लिए रख देंगे। ये हमारा ड्राई हो गया है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे वाइट एक्रेलिक कलर यूज करेंगे, फैब्रिक ऑयल का वाइट एक्रेलिक कलर। इससे क्या होता है, कलर बहुत अच्छा आता है। आप कोई भी चीज़ पहले अगर करते हो ना, सबसे पहले आप उसका जो स्टार्टिंग बेस होता है वो पूरा वाइट करते हैं, एक कोट डबल कोट आप कर दीजिए वाइट से, क्योंकि वाइट करने से क्या होगा कि आपका वो जो डिज़ाइन है वो खिल के कलर आता है। ड्राई हो गया है तो हम इसे कलर करना स्टार्ट कर देते हैं। हम ब्लू स्पार्कल कलर लेंगे, ठीक, इसमें पानी बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। हम बी केयरफुल ध्यान से इसे करते जाएंगे। उसके बाद हम पिंक स्पार्कल कलर लेंगे।
तरीके से बी केयरफुल इसको पूरा कलर करेंगे। ये ध्यान दीजिएगा स्पार्कल कलर में आपका वाटर यूज नहीं होता है। फिर हम क्या करेंगे, कलर करने के बाद राखी को फेविकोल की मदद से सम स्टोन्स और मोती से डेकोरेट कर देंगे। इस तरीके से हम पूरा अपना जो है राखी डेकोरेट कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने पहले से भी एक और राखी जो मैंने बनाई थी उसे भी कंप्लीट कर रखा है। ये हमारी दो राखियां हो गई। सो फ्रेंड्स, आप बताएं कि राखी कैसी बनी है। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। आई होप आपने ये वीडियो इंजॉय किया होगा। थैंक यू।